हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले 4.1 आपकी कंप्लीट कर दिए। अगर आपने उसको नहीं देखा हो या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट चेक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेट्स। आपको इसमें भी क्वाड्रिलेट्स बनाना है। ठीक है, यहाँ का क्वाड्रिलेट्स क्या है? लिफ्ट, LIFT। ठीक है, मतलब LIFT हमने क्वाड्रिलेट बनाना है और उसकी मेजरमेंट दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका रफ स्केच ड्रॉ कर देते हैं LIFT। ये हमने ले लिया LIFT। ठीक है, अब इसकी मेजरमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास LI कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो चलो LI हम क्या लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। फिर IF 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा IF, ये 3 सेंटीमीटर। फिर TL 2.5, T से L, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 2.5। उसके बाद है LF 4.5, LF इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, डायगनल। ठीक है, वो कितना है, 4.5। नेक्स्ट है हमारा IT। ठीक है, आई यहाँ पर है आपका और ये टी, देख रहे हो आप यहाँ से यहाँ, मतलब ये सेकेंड डायगनल, ये कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा अब इसमें आपने क्या डिफरेंस देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पर क्या है, 2 डायगनल है। ठीक है, तो अब कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ये तो हमारा रफ स्केच था, अब हमने फेयर स्केच इसका बनाना है। तो आपको पता है हमने स्टार्ट किससे करना है, हमने स्टार्ट करना है जहाँ पर हमारे पास पूरा ट्रायंगल कंप्लीट होता हो। 2 डायगनल है, हम डायगनल से स्टार्ट करते हैं। आपको इस एक्सरसाइज में एक चीज़ याद रखनी, इस एक्सरसाइज में, पूरे एक्सरसाइज में आपको जो है 2 डायगनल मिलेंगे और 3 साइडें मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 डायगनल में हम देखते हैं, अगर हम ये 4.5 वाली ले लेते हैं, ठीक है, तो 4.5 में आपके पास क्या है, ये साइड कंप्लीट है, ये साइड कंप्लीट है, तो हम पहले इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं तो भी हम क्या करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। जैसे मर्जी आप, जो मर्जी डायगनल लो, बस एक ट्रायंगल आपके कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैंने अभी ले लेना है LF, ठीक है, और ये वाली डायगनल से मैंने इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं LF 4.5 सेंटीमीटर। ये है हमारा LF 4.5, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4.5 और इसका नाम दे देते हैं हम LF 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो हमने इसको ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर हमारा L से कितने का लेना है हमने, 4 सेंटीमीटर, और F से हमने कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या लगा देनी है, एक आर्क लगा देनी है। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर हमारी कहाँ से, F से, तो ये F पे हमने इसको रखना है प्रकार को, और ये 3 सेंटीमीटर की हमने क्या लगा दी, आर्क। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी हमारी L से कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो चलो 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से अब L से हमने क्या करना है, आर्क लगाना है, यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा ये। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको पता लग गया ना हम क्या करते हैं, पहले तो हमारे जो पॉइंट आया कौन सा आया है, I, ठीक है, अब इनको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, I को L से ज्वाइन किया और दूसरा फिर I को हमने क्या किया, F से ज्वाइन कर दिया। चलो ये काम तो हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट बेटा आप देखो, अगर हम यहाँ से दूसरे ट्रायंगल पे जाते हैं तो हमें एक दिया है 2.5 L से, तो चलो 2.5 के मार्क लगा लेते हैं, यहाँ पर है हमारा 2.5, ये हो गई हमारी 2.5, कहाँ से लगानी हमने, L से, ये L से हमने 2.5 की आर्क लगा ली। ठीक है, तो चलो, लेकिन अब इसको क्रॉस करने के लिए हमें यहां से चाहिए था, वो तो है नहीं हमारे पास,
तो लेकिन बेटा हमें ये चीज तो है ना, आई से, अगर हम आई से एक आर्क लगाते हैं, आई से हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है ना दूसरा डायगनल, तो चलिए हम इसको आई से लगाते हैं। आई से कितनी लगानी है आपको, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो बेटा अगर आपको ये साइड नहीं दिए तो आपने क्या करना है, ये साइड दी हुई है ना, तो यहां से आपने क्रॉस करना है। तो यहां से अगर मैंने 4 सेंटीमीटर लिया यहाँ से आई से, ठीक है, ये हो गया मेरा क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने आई से, ये आई से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं ना, तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा ज्वाइन। यहाँ पर जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, ये हमारे पास जो पॉइंट था हमने एल और एफ से, वो पॉइंट क्या था, टी। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, टी। यहाँ से हमारा 2.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा हो गया, कुछ नहीं है यहाँ पर, हमने लिखा नहीं, ये भी लिख देते हम 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, और इस डायगनल को भी हमने आपस में मिला देना है। और ये डायगनल कितने का बन गया आपका, ये डायगनल था आपका 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है समझ आ गया। तो चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं। जैसे हमने पहले कंस्ट्रक्शन लिखी थी, एक एक स्टेप वही लिखते जाना है जो हमने बनाया है। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें 3 साइड्स होंगी पूरे एक्सरसाइज में, और 2 क्या होंगे, डायगनल्स होंगे। तो चलिए जैसे जैसे बनाए हम वैसे इसकी क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो फर्स्ट बेटा हमने क्या बनाया था, सबसे पहले ड्रॉ की थी हमने लाइन सेगमेंट। ठीक है, कौन सी लाइन सेगमेंट, एल एफ। तो हम क्या लिख देंगे, वही चीज लिखेंगे हम, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट एल एफ ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर ले लिया था। सेकेंड हमने क्या किया था, सेकेंड हमने आर्क लगाया था किससे, एफ से, 3 सेंटीमीटर का। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम एफ मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां एफ से हमने 3 सेंटीमीटर। अगला हमने क्या काम किया था, फ्रॉम कहां से, एल से। ठीक है, एल मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया था बेटा, हमने इनको ज्वाइन कर दिया था ना, तो वही लिखे हैं। ठीक है, पहले तो हमें एक पॉइंट मिल गया था, कौन सा पॉइंट मिल गया था, आई। तो हम पहले इसको लिखेंगे, लेट दीज टू आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कहां था पॉइंट, आई। ठीक है, पॉइंट आई। फिफ्थ पॉइंट में हमने इसको क्या कर दिया था, ज्वाइन। तो वही लिख देंगे हम, क्या, ज्वाइन एल को आई से और एफ को आई से, ज्वाइन एल आई एंड एफ आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट 6 पे हमने क्या किया था, एल से पॉइंट लिया था 2.5 सेंटीमीटर का। तो यही लिखेंगे हम, फ्रॉम एल मेक एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, फ्रॉम आई मेक एन आर्क, हमने 4 सेंटीमीटर, सॉरी यहां से हमने 2.5 सेंटीमीटर ले लिया था। अब हमने क्या किया था, आई से हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया था ना, तो सेम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम आई मेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया था, हमने इनको 3 को ज्वाइन किया था, इसको इसको ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था, और इसको ज्वाइन किया था। तो हमने ये सारे पॉइंट्स को लिख देना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट मिल गया था, जब हमने ये आर्क लगाई थी तो हमें पॉइंट क्या मिला था, टी। तो इसको हम लिख देंगे, लेट दीज टू आर्क्स इंटरसेक्ट। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पर क्या था, एट पॉइंट टी। ठीक है, यहां पे कौन सा पॉइंट था, पॉइंट टी। ठीक है, नेक्स्ट 9 पे हमने क्या किया था बेटा, ज्वाइन किया था ना, किसके किसको ज्वाइन किया था, हमने ज्वाइन किया था किसको, एल को टी से,
और दूसरा आई को टी से और एफ को टी से, तो क्या लिखेंगे, एल टी आई टी एंड एफ टी, ठीक है, इनको ज्वाइन किया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपने जरूर लिखना है, हमें ये सब क्या मिल गया, एल आई एफ टी, एल आई एफ टी इज द, क्या मिल गया हमें, क्वाड्रिलेटर, सॉरी आपको दिखा नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया तो आगे भी आप इजीली कर सकते होंगे, ठीक है, आगे अच्छे से कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन आपने देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो। ओके स्टूडेंट्स।